सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का किया शुभारंभ। माउंट आबू में बीजेपी का 3 दिवसीय शिक्षण शिविर, बूथ लेवल के माइक्रो मैनेजमेंट की बनेगी रणनीति। कांग्रेस गिरा, 2 सीएम बन जाओ के कोयला व्यापारी सूर्यकांत का आईटी अधिकारियों पर पड़ा आरोप। अवमानना के मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2000 का जुर्माना। सातवीं बार विंबलडन चैंपियन बने नोवाक जोकोविच, फाइनल मुकाबले में निक को दी शिकस्त। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में सीएम योगी ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश ने पहले की तुलना में अपने रिकॉर्ड को अच्छा किया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश, विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर हरितमा ने उपनिर्देशक आईसीडीएस पीएमओ और आरसीएचओ को आवश्यक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती। खबर लखनऊ से है, जहां पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन के लिए मेरे पास फोन आया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हम सपा के साथ खड़े हैं। एनडीए की डिनर पार्टी में राजभर शामिल हुए थे। सीएम योगी के आवास पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले। इसके आगे उन्होंने सरकार के 100 दिन के कामों पर तंज कसते हुए कहा कि 17 करोड़ की दवा एक्सपायर हो गई है, थानों में गरीबों को भगा दिया जा रहा है। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। पति चुनने जा रही है देश की सबसे निचली पायदान पे, जो देश की जातीय व्यवस्था है, उनका फोन आया, उन्होंने इच्छा जाहिर किया मिलने की। अभी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ। खबर फरीदाबाद से है, जहां आज पर्वतीय कॉलोनी के डी पब्लिक स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उसी को लेकर संस्थाओं ने जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और कहा हमारे ब्लड से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। चेयरमैन ट्रेडिशनल सेकेंडरी स्कूल पर्वतीय कॉलोनी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। नव प्रयास सेवा संगठन के माध्यम से आज इस स्कूल में शिविर लगाया गया, 17वां शिविर है। इससे पहले भी एक शिविर स्कूल में ऑलरेडी इनका नव प्रयास संगठन का रहा है। अभी कुछ जरूरत ब्लड बैंक की जरूरत, ब्लड बैंक में ब्लड की जरूरत है। क्या मैसेज है, इसलिए ब्लड डोनेशन? देखो, मैं नव प्रयास सेवा समिति से, हमारे सुनील जी, मेरे साथ में नंगला मंडल के अध्यक्ष कविंदर जी, नंगला मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदेश जी, और जिनके स्कूल में केडी स्कूल में लगा है उसके चेयरमैन अजय यादव जी, और उनकी पूरी टीम का तय दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदेश यादव, अध्यक्ष नंगला मंडल युवा मोर्चा।
जी लोगों से तो यही संदेश है कि जब भी देश को किसी भी वर्ग को बच्चों को थैलेसीमिया वाले बच्चों को जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में योगदान देना चाहिए बढ़ चढ़। खबर देवरिया से है जहां पर बुलडोजर चलने से घर के 6 लोग बेघर हो गए। सोशल मीडिया पर गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चलती नजर आई है और घर के बच्चे 2 दिनों से खाने को मोहताज हैं। 60 सालों से झुग्गी झोपड़ी और मिट्टी के बने घरों में रहकर अपना गुजारा कर रहा था ये परिवार, लेकिन कानून गो ने प्रशासन की मदद से बुलडोजर चलवा कर गरीब के आशियाने को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं SDM संजीव कुमार ने बताया कि हम जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। कहाँ जाएं? हम लोग जाएं? खाने दाना खाना पानी कुछ नहीं, रोड पर कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? बरसात का मौसम आ गया, हम लोग कहाँ जाएं? आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं अधिकारी से, क्या चाहते हैं? कहीं हम लोग को बसाने के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? नहीं, किसी अधिकारी से नहीं किया, बिना सोचना बिना नोटिस का। आपने शिकायत किया है कहीं, कल देवरिया में कहीं जाकर शिकायत किया है? रहनी जाए, अब कोनो नोटिस ना मिला ला, ना कागज मिला ला, ना कुछ मिला ला। सारे मेरा झोपड़ी आके उजाड़ रहे, हमने करोन में भीख मांग रहे हैं सब। अब लड़का खाई लब खाले भी ना मर रहे हैं सब। गोरू बछरू सब मर गए सब। खाना भी 3-4 दिन से नहीं खेबनत, ना खाई जाता। अब लो हम कहाँ जाए, यहाँ से उठ के खाए वाला है जान। 2 पैसा कमा के लेके आओ ना, लता सांझी का 3 दिन खानी जा साहब, खेती बाड़ी है। आप क्या चाहते हैं? हमने के जमीन चाहते हैं सर, रहने बसने के लिए। रोड पर हैं हम, रोड पर हैं। आप लोग के नाम हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के गाजियापुर में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैकड़ों की भीड़ में बैठा एक व्यक्ति अपनी बंदूक से फायरिंग कर रहा है, जबकि हर्ष फायरिंग पर पुलिस प्रशासन ने अंकुश लगाने के लाख प्रयास किए हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी के थाना गोला कोतवाली क्षेत्र के पीलीभीत बस्ती मार्ग पर केशवापुर के पास घर से स्कूल गए छात्र की साइकिल तिरुपति पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़ी मिली थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, छात्र की गुमशुदगी लिखाकर जांच शुरू की गई थी, लेकिन अजीत का कुछ पता नहीं चला। वहीं कुछ दिन बाद सड़क किनारे दुर्गंध आने पर पता चला कि जहां छात्र की साइकिल मिली थी वहीं से कुछ दूरी पर शव मिला है। गुस्साए परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क जाम कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर रघुनाथपुर गांव की प्रधान दुर्गावती देवी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगते ही प्रधान जमीन पर गिर गई। गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े, जिसके बाद बाइक से आए 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रधान की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। सूचना पर SS पीड़ा गौरव ग्रोवर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों से बातचीत करके घटना की जानकारी ली। जनपद गोरखपुर के थाना हरपुर बुधड़ के ग्राम रघुनाथपुर से आज शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां की वर्तमान प्रधान दुर्गावती देवी, जो कि अपने घर के बाहर बैठी थी, कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके ऊपर फायर किया गया है। परिजनों द्वारा तत्काल उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां से उनको BRD मेडिकल कॉलेज के रेफर किया गया है। BRD मेडिकल कॉलेज में उनका इस समय पर इलाज चल रहा है, डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और बाकी अधिकारियों द्वारा किया गया है। परिवारीजनों द्वारा घटना से संबंधित अहम जानकारियां दी गई हैं और अपराधियों की मूवमेंट भी बताई गई है। घटनास्थल के निरीक्षण के साथ साथ वहां आसपास के लोगों से भी जानकारी की गई है। मौके पर इस समय पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर।
मुरादाबाद में नदी में नहाने के दौरान दोस्तों को बचाने के चक्कर में नदी में कूदा एक छात्र लापता है, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की 12 सदस्य टीम मुरादाबाद पहुंची है। मौके पर भारी संख्या में परिजन समेत क्षेत्रवासी मौजूद रहे। एसडीआरएफ के एसआई कर्मवीर का कहना है कि पानी का तेज बहाव है और जल स्तर ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में अभी आगे जाकर तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम है लखनऊ से। अच्छा, कितना समय हो गया रेस्क्यू चलाते हुए? और रेस्क्यू हमने यहाँ 5:30 बजे जारी कर दिया है। कितने लोग आपकी टीम में लगे? हमारी टीम में 12 आदमी हैं इस समय। तो अभी कोई सफलता मिल पाई है? नहीं नहीं, हम लोग 5-6 किलोमीटर दूर तक देख आए हैं, लेकिन क्योंकि पानी की जो है बढ़ गई है मात्रा और बहाव भी ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए अभी और लंबा देखने की आवश्यकता है। अच्छा, बच्चे के परिवार वालों से आपकी बात हुई है, क्या बताया? हाँ, बच्चे के परिवार वालों से बात। कानपुर में कुएं से निकली जहरीली गैस से 3 युवक कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए। गांव वालों की सूचना पर पहुंची बिल्लौर पुलिस ने गांव के लोगों और पुलिस की मदद से तीनों युवकों को कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके बाद इलाज के लिए तीनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया। बिल्लौर सीएचसी से कानपुर हेलट तीनों युवकों को रेफर किया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इलाज के दौरान शैलेंद्र, योगेंद्र और प्रदीप की मौत हो गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। पड़िया गिर गई थी पानी में, कुएं में एक लोग गया उसको बांधने। अब पड़िया जानवर है, कुआं छोटा है, तो वो बांध दिया उसने, मगर वो मूर्छा हो गया। दूसरा लोग गया, दूसरा जब चला गया वो भी मूर्छा हो गया। उसका भाई, अब भाई भाई कहीं खड़ा हो तो जाएगा, जो वो भी गया। तीसरा भी चला गया, चौथा आदमी गया, उसको रस्सम बांध के डाला गया, वो तो मुझसे आ गया, खींचा गया भाई। मगर 7:30 बजे घटना हुई है। आपने पुलिस को सूचना? अच्छा, 2 सगे भाई, 1 लड़का अलग था, 3 लोगों में। मान लो पुलिस पहुंची तो वो क्या करेगी बताओ? वो तो जाएंगी नहीं उसमें। ओके, बिल्लौर थाना अंतर्गत गौरी गाँव में एक कुएं में एक भैंस का बच्चा गिर गया था। उसको बचाने के लिए कुएं में 3 18 से 20 साल 22 साल के लड़के तथा एक 40 साल का व्यक्ति कुएं में उतरे तो चारों जो है उसमें बेहोश हो गए। सभी को बाहर निकाल लिया गया है। उनको अस्पताल में सीएससी बिल्लौर में प्राथमिक उपचार के बाद हेलट के लिए रिफर किया गया है। अभी तक सबकी हालत ठीक है और एक उसमें जो सबसे बुजुर्ग था राम बहादुर, उसको होश भी आ गया। लगभग उम्र इसकी 40-45 वर्ष है। दूसरा शैलेंद्र सनाप राम कुमार 22 वर्ष, तीसरा योगेंद्र सनाप राम कुमार 20 वर्ष और चौथा प्रदीप सनाप राम गुलाम 19 वर्ष। हाँ, बिल्लौर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में एक कुएं में एक बछड़ा गिरने के बाद जो है उसको निकालने के एवज में कुछ लोग घुसे थे, तो वहाँ पे शायद पॉइजनस गैस की चपेट में आने से कुएं में पड़िया गिर गई थी। इसी पड़िया को बचाने के लिए वो 3 लड़का नीचे गए और उनको जहरीली गैस निकल रही थी, जिसमें जिसकी चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक एक करके 3 युवक कुएं में उतर रहे थे और तीनों को फिर बाहर निकाला गया क्योंकि तीनों ही बेहोश हो गए थे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं कानपुर से। अनिल, कानपुर में जहरीली गैस की वजह से 3 युवकों की मौत हो गई है, पुलिस द्वारा क्या जानकारी दी गई है? किसको बचाने के लिए उतरे थे और कितनी देर बाद तीनों की मौत हो गई? लगभग शाम के 7:30 बजे की है, जब एक भैंस का बच्चा एक कुएं में गिर गया था, तो उसी वक्त वहाँ से कुछ ग्रामीणों ने एक उसको निकालने के लिए जैसे ही कुएं के अंदर घुसे, लेकिन ऊपर से खींचने पे कोई आवाज़ नहीं आई, तो उनको देखने के लिए जब दूसरे लोग भी उसके अंदर घुसे, दूसरा भाई जो उनका, लेकिन फिर भी वो भी जाके वहाँ पे मृत्यु हो गई उनकी वहाँ पे। तीसरा व्यक्ति जब उनको निकालने के लिए घुसा, सेम कंडीशन उनके साथ भी आई हुई। चौथे व्यक्ति को जब अंदर डाला गया तो जब उसको आधे रास्ते पे ही उसको दिक्कत होने लगी, तो उसके बाद लगाने पे लोगों ने उसको रस्सी के माध्यम से वो वापस खींचा और उसके बाद पुलिस ने गीले कपड़े के मुंह पे बांधकर जब नीचे घुसी तो सबको बाहर निकाला गया और बिल्लौर भेजा गया था।
परंतु वहाँ पे उसके बाद उनको कानपुर हैदर के लिए रिफर कर दिया गया था। डॉक्टरों ने उपचार के समय पे बताया कि तीनों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से दो सगे भाई हैं। जी, दो सगे भाई थे और एक की वर्ष 40 साल भी बताई जा रही है अनिल, और क्या तीनों के लिए ही सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है? जी जी, इस उक्त प्रकरण को सीएम ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे के लिए बोला है, और साथ ही इसकी गंभीरता से जांच करने के लिए बोला गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कानपुर नगर से संवाददाता अनिल कुमार जुड़े थे। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में खन्ना जनरल स्टोर के पहले फ्लोर पर भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग बुझाने का प्रयास किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस